अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, आप मज़े में होंगे। आज है हफ्ता और हफ्ते वाले दिन जो बच्चों के स्कूल की छुट्टी होती है, तो फिर मैं ब्रेकफास्ट में आज बहुत ही देसी किस्म का ब्रेकफास्ट रेडी करूँगी। आज मैं बना रही हूँ पूड़ियाँ, हलवा और चने। पूड़ियाँ बनाने के लिए मैंने लिया है नॉर्मल घर का आटा जो होता है वो, उसमें मैंने नमक और पिंच ऑफ जो है मैंने इसमें सोडा डाला था, और 2 चम्मच जो मैंने इसमें दही लिए उसको जो है मैंने हल्के गुनगुने पानी से जो है ना अच्छी तरह से गून लिया था। अब मैं रेडी करूँगी सबसे पहले जो है ना हलवा। हलवा बनाने के लिए जो है ना मैंने देसी घी लिया था। देसी घी से जो है ना हलवा बहुत मज़े का बनता है, खुशबू बहुत अच्छी आती है। उसमें थोड़ी सी मैंने इलायचियाँ डाल दी और उसको हल्का सा गर्म करके ना उसमें मैंने सूजी डाल दी 4 चम्मच। सूजी डालने के साथ ही जो है ना इसको मैं थोड़ी देर के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट के लिए जो है ना मैं इसको भूनूंगी, ताकि इसका कलर जो है ना थोड़ा सा ना चेंज हो जाए। हलवा बनाना इतना मुश्किल तो नहीं होता, लेकिन हलवा बनाने की ना एक आध ट्रिक्स हैं जो अगर आप फॉलो करेंगे ना तो हलवा बहुत सॉफ्ट बनता है। साथ ही साथ जो है ना मैं इसमें हसबे जायका चीनी डाल दूंगी। चीनी के साथ जो है ना मैं इसको 1 मिनट के लिए जो है ना भूनूंगी। अब इसमें जो है ना मैंने खौलता हुआ बिल्कुल गर्म पानी लिया। ठंडा पानी अगर आप इसमें डालेंगे ना तो उससे जो है ना हलवा बिल्कुल अकड़ जाता है, तो वो सॉफ्ट नहीं बनता। बस इसको इतना मैं पकाऊंगी ताकि ये ना थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। उसके साथ जो है ना मैंने इसमें पिंच ऑफ सॉल्ट डाला था। सॉल्ट से जो है ना इसका फ्लेवर थोड़ा सा और भी मज़े का हो जाता है। अब जो है ना ये बिल्कुल रेडी है, और साथ ही जो है ना मैं चने बनाने की तैयारी कर रही हूँ। चनों की जो है ना कोई ख़ास ऐसी रेसिपी तो नहीं है, लेकिन ये कि इसमें एक आध चीज़ जो है मैं एक्स्ट्रा ऐड करती हूँ, तो फिर मैं आपको साथ साथ जो है ना कभी बता दूंगी। बस इसमें वही नॉर्मल जो मसाला जाते हैं, हल्दी, नमक, कुटी हुई लाल मिर्च और हरी मिर्च, और जो एक्स्ट्रा एक चीज़ मैंने इसमें ऐड की है वो था कलौंजी, और ना इसमें थोड़ा सा जो है ना जीरा भी जाएगा। और इसको फिर जो है ना मैंने हल्का सा भून लेना, और साथ ही इसमें जो है ना मैंने चने भी शामिल कर देने। फिर ना इसमें मैंने खौलता हुआ गर्म पानी थोड़ा सा ग्रेवी के लिए डाल दिया था, और पिंच ऑफ इसमें मैंने डाला है सोडा। सोडे से जो है ना बिल्कुल जो बाहर वाले होटल में जो बनते हैं ना उसका फ्लेवर बिल्कुल उस तरह आ जाता है। आटा जो है ना बिल्कुल रेडी था, तो फिर मैं इसके जो है ना पूड़ियाँ बना लूँगी। एक पूड़ी मैं आपको बना के दिखाती हूँ, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं। अगर आप इसी तरह से आटा गूंथते हैं ना तो ये पूड़ियाँ बिल्कुल बाजार की तरह बिल्कुल उस तरह से रेडी हो जाती हैं। दही से जो है ना पूड़ियाँ जो हैं बिल्कुल सॉफ्ट रहती हैं और हार्ड नहीं होती। आप उसको बेशक कितनी देर के लिए भी ना पका के रख दें। ये जी है हमारा जो वीकेंड का ब्रेकफास्ट है, मज़ेदार सा बिल्कुल रेडी हो चुका है। हम जो है इसको हर वक्त तो नहीं बनाते, क्योंकि ये बहुत हैवी हो जाता है, तो इसको महीने में 1 या 2 बार जो है ना मैं इसको ज़रूर बना के देती हूँ। बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। हलवा पूड़ी की जो है ना शान बढ़ाने के लिए 1 कप कड़क चाय का होना भी बहुत ज़रूरी है, और चाय का जो है ना टेस्ट हलवा पूड़ी के साथ जो है ना और भी दोबाला हो जाता है। इस तरह का ब्रेकफास्ट किसको पसंद नहीं होता, ये बहुत ज़्यादा मज़े का होता है। आज असल में यूके में जो है ना धूप निकली हुई है ना, तो हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं, मौसम थोड़ा सा अच्छा है। बस ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद जो है ना सफाई की बारी आ गई है, तो आज जो है ना मैंने फ़िश का जो है ना ये टैंक का पानी भी चेंज करना था, और साथ ही साथ जो है ना मैंने जो सिटिंग एरिया है हमारा प्लस डाइनिंग एरिया जो एक ही साथ है, तो फिर मैंने सोचा आज है मेरे पास थोड़ा टाइम है, क्योंकि फिर जब बच्चे घर नहीं होते तो फिर ये टेंशन होती है कि स्कूल जाना है, उनको लेना है, और टाइम पे लंच भी रेडी करना होता है। तो आज जो है ब्रेकफास्ट लेट किया है, तो फिर मेरे पास थोड़ा टाइम था, तो मैंने सोचा ये सारी चीज़ें जो है ना मैं क्लीन कर लेती हूँ। ये रूम जो है ना हमारा बहुत ज़्यादा गंदा होता है, क्योंकि हमारा जो सिटिंग रूम और डाइनिंग रूम जो है ना वो एक ही साथ है, तो फिर ये ज़्यादा यूज़ होता है। यहाँ पर बस बैठते भी हैं और खाना वाना भी यहीं खाते हैं, तो इसकी जो है ना मैं मंथ में जो है ना 2 या 3 बार जो है ना इसकी मुझे डीप क्लीनिंग करनी पड़ती है। दरअसल यूके में ना रूम बहुत ज़्यादा छोटे छोटे होते हैं। यहाँ पर जो गार्डन एरिया होता है ना बाहर की तरफ, इतना ज़्यादा ये लोग उस तरफ जो है ना ज़्यादा स्पेस छोड़ देते हैं, और जो घर के अंदर की जगह होती है ना वो बहुत ज़्यादा छोटी छोटी सी होती है, तो फिर हमें मजबूरन बस इसी में एडजस्ट करना पड़ता है। तो फिर उसकी जो है ना क्लीनिंग भी हर वक्त हमें करनी पड़ती है, क्योंकि छोटा सा एरिया है, तो फिर उसको ज़ाहिर आप बार बार क्लीन करोगे। बस फिर जो है ना इस तरह से पुराना पानी जो है ना मैं निकाल के फेंक देती हूँ, और इस तरह से फिर जो है ना टैंक को थोड़ा सा क्लीन करके अंदर से और नया पानी जो है इसमें भर देती हूँ। इतना मुश्किल नहीं होता, बस ये थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन ये कि इसको रोज़ रोज़ मैं क्लीन नहीं करती, वीक में एक बार कर लेती हूँ।
जो है ना हम सब निकल गए थे बाहर, तो हमने सोचा मौसम जो है ना इतना अच्छा हुआ है, तो हम बच्चों को जो है ना थोड़ी सी ज़रा तफरी करवा लेते हैं। यहाँ से जो है ना बच्चों को थोड़े बहुत कलर्स वगैरह भी चाहिए थे, पेंसिल्स वगैरह भी, तो स्कूल के लिए तो असल में यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यहाँ जो है ना स्कूल में ऑलरेडी पहले से मौजूद होती है। यहाँ पर बुक्स वगैरह भी लेनी नहीं पड़ती, अभी तक तो हमें नहीं लेनी पड़ रही, क्योंकि अभी हमारे बच्चे जो हैं छोटी क्लासेस में, तो जब वो हाई स्कूल में जाएंगे तो उस टाइम का हमें अभी तक नहीं, लेकिन अब तक जो है ना 6th तक है ये स्कूल, तो यहाँ 6th तक जो है ना यहाँ पे बुक्स वगैरह जो है ना कलर्स हो गए बुक्स और कॉपीज़ वगैरह वो यहाँ पे नहीं मंगवाते, वो जो है ना स्कूल वाले जो है ना अपनी तरफ से ही उनकी होती हैं बुक्स, वो वहीं से ही दे देते हैं बच्चों को। बस यहाँ से जो है मैं तो ऐसे ही बस घूम रही हूँ, क्योंकि मुझे कुछ ख़ास यहाँ से चाहिए नहीं था, सिर्फ बच्चों के लिए हम आए हुए थे, तो मैंने सोचा है थोड़ा सा मैं आप सबके साथ भी ना शेयर कर लेती हूँ। आज जो है ना बाई चांस हमारा लकी डे हो गया, क्योंकि हफ्ता और इतवार को जो है ना मार्केटों में बहुत ज़्यादा रश होता है, आज इतफाक़न से जो है ना रश इतना नहीं था, तो मैंने रिकॉर्ड भी कर लिया। बस आज जो है ना बच्चों का पार्टी डे था, तो फिर हमने बच्चों के लिए पिज़्ज़ा भी ऑर्डर कर लिया, उसी बहाने जो है ना हमने भी खा लिया। तो फिर इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, अपनी दुआ में याद रखिएगा, बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए भी, अल्लाह हाफ़िज़।